हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पल्लवी प्रिया और अगर आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे आज की इस वीडियो। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वुडन कॉम्ब के ऊपर रिव्यू। आई नो हम में से बहुत सारे लोग इन चीज़ों पर ध्यान भी नहीं देते कि हम किस चीज़ से कंघी कर रहे हैं। हम सोचते हैं क्या ही फ़र्क पड़ता है, बस कंघी उठाया और कॉम्ब कर लिया जैसे तैसे। बट ट्रस्ट मी, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने बालों की किस तरीके से केयर करते हैं, उसको कॉम्ब किस तरीके से करते हैं, क्योंकि कॉम्ब इम्पॉर्टेंट नहीं हो सकता है आपके लिए, बट आपके हेयर तो इम्पॉर्टेंट है ना आपके लिए। तो अगर आपके हेयर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो उसी तरीके से हेयर के लिए एक अच्छा कॉम्ब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हेयर की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए हमें छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, जिसमें से एक चीज़ ये भी आती है कि हम कॉम्ब किस कॉम्ब से करते हैं और किस तरीके से करते हैं। तो आज बेसिकली मैं आप लोगों के साथ, हमारा जो ये पूरा वीडियो होगा ये कॉम्ब के रिव्यू के ऊपर होगा। अभी मैंने रिसेंटली ही एक वुडन कॉम्ब परचेज किया है। इससे पहले मैं भी आपकी तरह ही प्लास्टिक के कॉम्ब से या जो भी मुझे मिल जाता था उससे कॉम कर लेती थी। बट धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे जो बाल है ना धीरे धीरे ख़राब हो रहे हैं और हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी रिसेंटली मैं बहुत ही ज़्यादा हेयर लॉस से गुजरी हूँ, उसके ऊपर तो मैं एक सेपरेट वीडियो करने वाली हूँ, बट आज का वीडियो कॉम के ऊपर होगा। तो मैं जिस कॉम के बारे में बात कर रही हूँ वो है वुडन कॉम, और ये केश बिंदु का कॉम है जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन ऑर्डर किया था। एंड इसके प्राइस के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इसका प्राइस था 171 रुपीज़। एंड दो कॉम मुझे रिसीव हुआ था, एक जो इस तरीके का वाइट टीथ का कॉम है जैसा कि आप देख सकते हैं, एंड सेकेंड जो था इसमें वाइट टीथ भी है एंड थिन टीथ भी है। तो इस तरीके के दो कॉम मुझे रिसीव हुए, बहुत ही अच्छा कॉम है ये, और इसका जो ग्राफ्ट है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बेसिकली मैं आपको बताऊँगी आज की इस वीडियो में कि हमें कॉम पर क्यों ध्यान देना चाहिए, यानी कि हम किस कंघी का इस्तेमाल कर रहे हैं उस पे ध्यान देना क्यों ज़रूरी है, और इस कॉम के क्या बेनिफिट है आपके हेयर के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इससे पहले मैं भी प्लास्टिक का ही कॉम यूज़ करती थी, और प्लास्टिक का कॉम यूज़ करने से होता क्या है ना, हमारे जो बाल है ना बहुत ही ज़्यादा खिंचते हैं, हमारे स्कैल्प बहुत ज़्यादा खिंचते हैं, जिसकी वजह से हमारे स्कैल्प में जो है जिसकी वजह से हमारे बालों में जो है ना बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल हो जाता है। एंड इसके अलावा आपकी जो स्कैल्प की जो हेल्थ होती है ना वो भी ख़राब होती है प्लास्टिक के कॉम का इस्तेमाल करने से, साथ ही आपके बाल में जो है फ्रिजनेस बहुत ज़्यादा रहती है। एंड वुडन कॉम इस्तेमाल करने से क्या होता है, आपके बाल जो है ना बहुत ज़्यादा ईजिली कॉम हो पाते हैं। बेसिकली अगर आप इस तरीके के वाइड कॉम से पहले अपने हेयर को कॉम कर लो, इसके बाद आप इस तरीके का कॉम यूज़ करो, तो आपके जो बाल है ना वो बहुत ही कम टूटते हैं। ट्रस्ट मी गाइज, इसके साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और एक महीना से ऊपर हो गया मुझे इसको मंगाए हुए और यूज़ करते करते। एंड मैंने पर्सनली ये फील किया है कि जब से मैं ये कॉम यूज़ कर रही हूँ तब से मेरा हेयर फॉल बहुत कम हो रहा है। नॉर्मली तो हम सभी को हेयर फॉल होता है, एंड 50 से 100 हेयर फॉल बिल्कुल नॉर्मल होता है रोज़ाना में, बट अगर इससे ज़्यादा हेयर फॉल होता है तो वो चिंता का विषय हो सकता है। तो नॉर्मली हम सभी को थोड़ा बहुत हेयर फॉल तो होता ही है, एंड ये बिल्कुल नॉर्मल है, तो इसके लिए घबराने वाली बात नहीं है। तो फाइनली अब जो मैंने देखा है, जब से मैं ये वाला कॉम यूज़ कर रही हूँ मुझे हेयर फॉल बहुत कम हो रहा है, एंड प्लास्टिक का कॉम जब मैं यूज़ करती थी तब मेरे बाल बहुत ज़्यादा टूट जाते थे। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि ये वुडन कॉम है और इसको यूज़ करने से होता क्या है ना, हमारी जो हेयर की जो हेल्थ है ना वो बहुत अच्छी रहती है, हमारे स्कैल्प में ना ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से बढ़ता है, साथ ही आपके अगर स्कैल्प में डैंड्रफ का प्रॉब्लम रहता है तो वो भी कम होता है, क्योंकि ये जो कॉम है ना बेसिकली ये नीम से बना होता है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी, इसके अंदर से जो खुशबू आती है ना, इसका जो फ्रेग्रेंस है ना वो बहुत ही अच्छा है, ऐसा लगता है जैसे कि नीम के ऑयल से ही इसको डिप करके और निकाला हो तुरंत, बहुत ही प्यारी सी फ्रेग्रेंस आती है इस कॉम के अंदर से हमेशा, साथ ही आपका जो हेयर है ना उसको बहुत अच्छे से रखता है और आपके स्कैल्प में किसी तरीके का इन्फेक्शन भी नहीं होता है। तो बेसिकली मैं अगर आपको बताऊँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा इस कॉम के साथ, और मैं आपको नहीं कहूँगी कि यही कॉम, आप कोई भी वुडन कॉम देख सकते हैं, आपको फ्लिपकार्ट अमेजोन पे इजीली मिलता है। बट हाँ, मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि अगर आप प्लास्टिक का कॉम यूज़ करते हैं तो उसको यूज़ करना अवॉइड करें, क्योंकि वो हमारे हेयर के लिए, हमारे स्कैल्प के लिए फ्रेंडली नहीं है जितना कि ये वुडन कॉम हमारे हेयर के लिए फ्रेंडली है। तो हम सभी को ये भी ध्यान देना चाहिए कि हम कॉम कौन सा यूज़ कर रहे हैं और किस तरीके से हम कॉम कर रहे हैं। तो आई होप आपको आज की इस वीडियो में ये क्लियर हुआ होगा कि
कॉम भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है हमारे बालों के लिए। हम कौन सी कंघी का इस्तेमाल कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे हेयर की हेल्थ के लिए। तो आई होप आज से आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे एंड मेरी जो आज की वीडियो है आप लोगों के लिए थोड़ी बहुत नॉलेज तो ज़रूर लेकर गई होगी। तो इस उम्मीद के साथ कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, आज का वीडियो मैं यही एंड करती हूँ। जल्द ही मैं आप लोगों के लिए एक और नई मज़ेदार सी वीडियो लाने वाली हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।